नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एवेंजर्स असेंबल का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार सीरीज हमारी चल रही एवेंजर्स सीरीज से मिलती जुलती है, लेकिन वो एवेंजर्स कॉस्मिक लेवल पे काम करते हैं और ये सिर्फ अर्थ पर ही काम करते हैं। और इस एवेंजर्स की टीम को हमारे असली कैप्टन अमेरिका लीड करते हैं जो ब्लड हंट के इवेंट के बाद बनी है। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑलराइट गैंग, तो इसी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो जर्मनी में रुगन नाम की जगह पर आ गई थी, और तब वो वहाँ के लोगों को बड़े ही बुरी तरीके से मार डालती है और कहती है, मुझे लगा था कि मेरे स्वागत के लिए बहुत सारे लोग आएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह कहते ही वो औरत अपने पैर से लात मारकर एक आदमी को पीछे फेंकती है जो संदूक पर गिरा हुआ था, और कहती है, मैं कोई चोर नहीं हूँ बल्कि लवर हूँ, लास्ट प्रिंसेस ऑफ ग्रेट फोर्स जिसे जगाया गया है और अब उसे खिलाना पड़ेगा। यह कहते हुए वो औरत उस संदूक को खोलती है और कहती है, एरिडा गॉडेस ऑफ फेथ थी और यह उसका नकाब है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस नकाब को पहनने का अवसर मिला है। यह कहते हुए वो औरत उस हेलमेट को पहन लेती है जिसके कारण वहाँ आसपास बहुत सारी एनर्जी फैल जाती है, और तब वो औरत कहती है, यह दुनिया और भी अधिक जलेगी, वो भी सिन के नाम पर। यह कहते हम उस औरत को देखते हैं जो अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। यह सिन शिफ्ट होती है और हम एवेंजर्स मैंशन देखते हैं जहाँ पर जार्विस कैप्टन अमेरिका से कहता है, मुझे माफ करना जगाने के लिए, पर मैं चाय की बात कर रहा था, वो भी क्राइसिस रूम में। लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका जार्विस से कहता है, यहाँ पे क्राइसिस है इसलिए तुम यहाँ आए हो ना। जिस पर जार्विस कहता है, हाँ मैं टूट चुका हूँ क्योंकि मेरा साथी अब एवेंजर्स की मदद करने लगा है तो मेरे पास कुछ काम नहीं है। जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है, बस होश में रहो, यहाँ जल्दी बहुत कुछ होगा। बाहर डूम अब सॉसर सुप्रीम बन के घूम रहा है और उसके साथ कई सारे वैम्पायर्स भी हमारी प्रॉब्लम है। इन एवेंजर्स ने वैम्पायर्स की समस्या मिटा दी थी लेकिन अब भी वो समस्या ही है। ये कहते हैं कैप्टन अमेरिका बाहर आता है और देखता है कि बाहर उसके लिए फोटोन वॉस्प शैंगची पहले से खड़े थे। तभी वॉस्प आगे आती है और कैप्टन से कहती है, जार्विस ने तुम्हें प्लान बताया होगा। तभी शैंगची आगे आता है और कैप्टन से कहता है, क्या इस टीम में हम चारों ही है। जिस पर कैप्टन शैंगची से कहता है, नहीं और भी है, वो हमें रास्ते में मिल जाएंगी, लेकिन पहले जो खतरा आ रहा है उसके बारे में सुन लो। यह कहते हैं कैप्टन अमेरिका आगे कहता है कि रेड स्कल की बेटी सिन ने पुराना आर्टिफैक्ट चोरी किया है, कुछ ऐसा जो लोगों को पागल कर रहा है, और उसी के साथ वो भी ताकतवर होती जा रही है। ये सुनते ही शैंगची अपने रिंग्स निकालता है और उससे वो उन सबको टेलीपोर्ट कर देता है। यहाँ हम एवेंजर्स को देखते हैं जो जर्मनी आ चुके थे। तभी वहाँ के फिल्म देखते हैं कि सिन ने कई सारे लोगों को पागल करके आपस में लड़वाया था। ये देखकर कैप्टन अमेरिका सबसे कहता है, तैयार रहना। तभी फोटोन वहाँ पर पता करने लगती है कि सिन कहाँ पे है, और ऐसे ही वे सब लोग सिन तक पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि सिन अब पूरी तरह मॉन्स्टर बनने लगी थी। यहाँ जर्मनी के एक जगह में हम सरपंच सोसाइटी को देखते हैं जिन्हें भी पता चल गया है कि कुछ गड़बड़ है। तभी साइड वंडर वाइपर से कहता है, एक जमाना था जब सरपंच सोसाइटी का नाम हुआ करता था और अब देखो हम सिर्फ कवर इकट्ठा कर रहे हैं। ये कहते हम देखते हैं कि सरपंच सोसाइटी वहाँ पर एक बैरल चोरी करने आए थे। तभी वाइपर साइड वेंडर से कहती है, ये बैरल की कीमत बहुत ज्यादा है। जिस पर साइड वेंडर कहता है, ये अच्छा है, ये इतना कुछ हो रहा है उसमें एवेंजर्स बिजी है इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा हमने क्या किया। ये कहते हुए लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होते हैं। यहाँ हम सिन को देखते हैं जिसके अंदर से एनर्जी निकल रही थी। तभी सिन कहती है, इसे महसूस करो, तुम सब एरिडा के वंशज हो और आज मैं तुम सबको पुनः जीवित करने वाली हूँ। हे ढी हमारी पुरानी प्रथा है, क्या केन ने किन को नहीं मारा था, क्या रोम लाशों पे नहीं बना था। बुद्धिजीवी लोग इस सच को जानते हैं, बस मूर्खों को ये पता नहीं है। अब हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, किसी से भी नहीं, फिर वो कैप्टन अमेरिका हो या फिर एवेंजर। ये कहते सिन अपनी पावर से एवेंजर पे हमला करती है। तभी सिन एवेंजर से कहती है, क्या तुम्हें पता है हेट इतनी आसानी से क्यों फैलती है। सिविलाइजेशन किसी नदी की तरह है एवेंजर्स, और जहां नदी जाती है वही जाना आसान होता है। या इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी सारे एवेंजर्स को होश आता है और देखते हैं कि चारों लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। तभी देखकर वॉस कहती है,
तुमने लीडर बनके बहुत कर लिया, अब मेरी बारी। लेकिन तब फोटोन वास्ते कहती है, यार क्या हो रहा है, तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। मैं कभी अल्टीमेट थी और मैं इसके बारे में जानती हूँ, तो मुझे मत सिखाओ। यहाँ हम देख पा रहे थे कि ये हीरोज पागल होते जा रहे थे। तभी शांग-ची ये जान लेता है और तुरंत अपने रिंग का इस्तेमाल करने लगता है और फिर अपनी पावर से उन सबको ठीक करता है। और अब ठीक होते ही वे सारे लोग सिंह से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब शांग-ची कहता है, एवेंजर्स असेंबल। यहाँ दूसरी तरफ हम न्यूयॉर्क में हॉकाय को देखते हैं, जो एवेंजर्स मैंशन में आ गया था और वो वहाँ के जार्विस से कहता है कि लगता है मैं लेट हो गया हूँ। यहाँ सीन एवेंजर्स पे हमला कर देती है, लेकिन कैप्टन अमेरिका अपनी ढाल से उसे रोकता है और कहता है, तुम्हारा बहुत हुआ सीन, तुम इस शील्ड को तोड़ नहीं सकती हो। जिस पर सीन कैप्टन से कहती है, मैंने इससे पहले भी इस ढाल को तोड़ा है। लेकिन तभी वहाँ पर वॉस पाती है और सीन पे हमला करती है। लेकिन सीन वॉस को देख लेती है और अपनी पावर से उस पर वार करती है और दूर फेंकती है और फिर एवेंजर्स को मारने जाती है। लेकिन शांग-ची बीच में आकर अपनी रिंग से उस पावर को रोकता है, लेकिन यह भी काफी नहीं था, इसके कारण शांग-ची कमजोर पड़ जाता है। लेकिन तभी फोटोन सिर पर हमला कर देती है। यहाँ हॉकाय एवेंजर्स मेंशन में बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर एवेंजर्स आते हैं, जिसमें है लाइटनिंग, शी-हल्क और लाइट स्पीड। इधर कैप्टन अमेरिका अपने ढाल सिंह पे मारता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं इससे थक गया, मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिता को कई बार हराया है। तभी शांग-ची भी अपने रिंग से सिर पर हमला करता है और कहता है, कैप्टन ने तुम्हें सदियों से हराया है, लेकिन मैं तुम्हें मिनटों में हरा दूंगा। ये कहते ही शांग-ची अपने रिंग से सिंह को बहुत मारता है, जिसके कारण सिंह कमजोर पड़ गई थी। तभी शांग-ची सिंह से कहता है, क्या तुम खुद ही शांत हो जाओगी या हमें शांत करना पड़ेगा। जिस पर सिंह कहती है, तुम इतना कॉन्फिडेंट होते हो ना, पर तुम कभी जीत नहीं पाओगे। हेट ही हमेशा जीतती है, क्योंकि वो नेचुरल होती है और एक बार ये शुरू हुई तो रुकती नहीं। ये कहते ही सिंह अपनी पावर से वहाँ के सारे लोगों को कंट्रोल करके एवेंजर्स पे छोड़ती है और इन लोगों से कहती है, दिखाओ एवेंजर्स को कि तुम क्या कर सकते हो। लेकिन तभी फोटोन अपनी पावर से सिंह पर जोरदार हमला करती है, लेकिन उसका हमला होने से पहले ही सिंह फोटोन का गला पकड़ती है और कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम हारोगे नहीं, हेड सब कुछ छू सकती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इंटेंजिबल सब्सटेंशियल होता है। ये सुनते ही फोटोन सिंह से कहती है, मैंने तो अभी शुरू किया है। जिस पर वॉस फोटोन से कहती है, तुम यहाँ अकेले नहीं हो, अगर ये सिंह सांस ले सकती है तो फिर कमजोर भी हो सकती है। यहाँ हॉकाय लाइटनिंग, शी-हल्क, लाइट स्पीड और ऑक्युलस बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर वंडरमैन आ जाता है और उन्हें ज्वाइन करता है। यहाँ सिंह ने फोटोन का गला पकड़ के रखा था। तभी फोटोन कहती है, ये तुम चाहती हो ना। जिस पर सिंह कहती है, तुम्हारी बातों का मुझ पर असर नहीं होगा। यहाँ कैप्टन अमेरिका और शांग-ची मिलकर सारे लोगों को बेहोश करते हैं, तो वही वॉस चुपके से सिंह के नाक में घुस जाती है, जिसके कारण सिंह कमजोर पड़ गई थी और अगले पल उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है। तभी कैप्टन अमेरिका वहां के कहता है, इसे क्या हुआ। जिस पर फोटोन कैप्टन से कहती है, जेनेट उसके दिमाग में घुस गई है और उसे वो अंदर से शॉक दे रही है और मैं सिंह पर बाहर से हमला कर रही हूँ। यह कहते ही फोटोन उड़कर जाने लगती है। यासिन बॉस को अपने नाक से बाहर निकालती है और कहती है, बहुत हुआ। यह कहते ही सिंह कैप्टन और शांग-ची पर हमला करती है और कहती है, एल्डा को ना मानना मतलब ह्यूमन नेचर को डिनाई करना है। जब पहली आग बुझी थी तब हम अंदर में गए थे और तब हमने भी हेट की थी। एल्डा हम सब ने जीती है, हम में से कुछ समझकर उसे अपना लेते हैं। लेकिन तभी फोटोन पुनः आसमान से तेजी से आती है और अगले पल कैप्टन के शिर से जोरदार सिंह को मारती है, जिसके कारण सिंह पूरी तरह कमजोर पड़ गई थी। तभी सिंह कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम लोग जीत गए, मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था कि हेट ही हमेशा जीवित रहेगी, तुम लोगों ने मुझे हरा नहीं, तुमने तो मुझे अपने घर भेज दिया है, द आर्म्स ऑफ एरिडा मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह कहते सिंह गायब होने लगी थी। तभी फोटोन सिंह से कहती है, जाओ एरिडा के पास जाओ और उसे कहना कि हम एवेंजर्स ने तुम्हें यहाँ भेजा है। यह सुनते सिंह वहां से गायब हो जाती है। इधर बाकी के एवेंजर्स मिलके बात कर रहे थे, तभी जार्विस उनके लिए खाना लाता है। लेकिन तभी वहां पर नाइट रशर आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये कहते हैं नाइट रशर अपने बॉक्स से एवेंजर्स के लिए नए जैकेट्स ले आया था, जो गर्मी देने से भी अधिक काम करते हैं। यासीन शिफ्ट होती है और हम न्यूयॉर्क में पॉलिन नाम की जगह देखते हैं, जहाँ पर सरपंच सोसाइटी इकट्ठा हो गए थे और तब वहाँ पर वही बैरल लाया जाता है जिसमें बहुत सारी मिट्टी थी। ये देख कर वाइपर कहती है, ये चीज कोई मामूली चीज नहीं है बल्कि आंसू है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि सेठ ही एकमात्र सरपंच था, लेकिन तुम भूल रहे हो कि कोई और भी था जो सरपंच बना था और उसी ने गार्डन को नुकसान पहुंचाया था, और ये आंसू उसी सरपंच के हैं।
यह सरपंट कोई और नहीं बल्कि स्वयं मेफिस्टो है। यह कहते हुए सब लोग वहां पर मेफिस्टो को देखते हैं। एंड दैट्स इट, ये इशू यह कंटिन्यू होता है।